हे एवरीवन, सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पूनम दीदी बोल गए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप भी हम लोग जा रहे हैं साग तोड़ने के लिए, पूनम दी का बाड़ी, और इनका बहुत सारा बाड़ी है, हम आपको दिखाएंगे। किधर उधर हम आपको आज दिखाएंगे पूनम दी का कितना सारा बाड़ी है, कितना सारा सब्जी उगाई है। और हम लोग आज आलू भी पटाएंगे, ये लोग आलू लगाई है। इधर 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 धनिया पत्ता आगे पहले हटे तोड़। तो पहले हम लोग धनिया पत्ता देखिए तोड़ लेते हैं, फिर देखिए उधर आलू है, ये धनिया, इधर एक धनिया, ये धनिया दो गो धनिया कितना हंस रही है, देखिए कंट्रोल नहीं हो रहा। चटनी भी बनेगा, उखाड़ना बोलो, उखाड़े लगा ली। ओ देखिए गाइस, जिसको भी नहीं उखाड़ते हैं, जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, देखिए ऐसे तोड़ना चाहिए, इधर जड़ नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग इतना सारा धनिया पत्ता तोड़ लिए है, आज धनिया पत्ता की चटनी खाएंगे, मजा मजा। अब चलिए उधर साग तोड़ते हैं, मौसा को साग खाना है। देख देखिए मूली है, बैंगन है, और पूरा मेरी साग तोड़ते हुए देखिए मूली हुआ है इधर। बताइए कौन सा साग है ये, देख देख के जल्दी देखिए ऐसे हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं देखे हैं अभी बताइए कौन सा साग है। दो टाइप का होता है, देखिए इसमें कांटा है, इसमें देखिए कांटा है, और एक में नहीं होता है। तो ने आगू गिला ये तो देखिए इतना सारा तोड़ लिए है, इसको जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, इसको आधा तोड़ते हैं, देखिए ऐसे टन से आ तो हां आ तो तुम तोड़ तोड़े आ कहना पारबो। और देखिए हम लोग तोड़ लिए हैं इतना सारा साग, अभी दिख तो रहा है इतना, लेकिन बनने के बाद कितना हो जाएगा, इतना बस इतना सा ही होगा, वो पूरा गल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा। तो हम लोग साग तोड़ लिए हैं, अब चलते हैं, मौसी इसको बनाएगी, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहा धो के फिर आएंगे बारी, और दिखाएंगे आपको कितना सारा यहाँ बारी क्या क्या लगाई है दीदी लोग, और हम लोग फिर आलू भी पटाएंगे, किस तरह हम लोग पटाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए केला का भी पेड़ है, इन लोग का दी थी एक बार, एक ही बार दी है, हॉस्टल में थे फर्स्ट टाइम केला इन लोग का हुआ था तब, उसके बाद नहीं दी है, उसके बाद अकेले खाई है चोरनी। जेरिया वाला तो तोड़ के फेंक दे, मेरे देख तो बोल तो मौसा। बाप रे देख लीजिए डर कहे तोड़ ली है, और ये जड़ वाला फेंक देते हैं, नहीं तो मौसा देखेंगे तो फिर इनको डांटेंगे। तो अभी हम लोग धोएंगे इधर साग, अब इसको धोते हैं। गाइस हमको फिर से यहाँ बगान आना पड़ा, मौसा उधर नाला बना रहे हैं, हाय कर। हाँ मसा को देखिए इधर नाली बना रहे हैं, इधर से ये लोग पानी डालेंगे फिर सब आएगा। मसा पहले सारा इंतजाम कर दे रहे हैं, और बाद में हम लोग पटाएंगे इजीली से।
इतना सारा पटाना है हम लोग को। नाली बनने के बाद देखिए फीता, इसी से आएगा पानी। उधर कुआं है, वहां मोटर चलता है। रोलिंग रोलिंग। बहुत एक्साइटेड है, मजा आएगा आज पानी पटाने में। सो गाइस, हम लोग नहा धो के आ गए हैं। पूनम दीदी गई है उधर धूप देने और हम किचन में हैं, हम खाना का वेट कर रहे हैं। पूनम दीदी आएगी, देगी तो खाएंगे। और इधर देखिए हम लोग जो साग लाए हैं, मौसी काट रही है, दोपहर में बनेगा साग। गाइस, हम लोग खाना खा लिए हैं और देखिए हम लिपस्टिक भी लगा लिए हैं। पूनम दीदी भी लगाइए आ गए, चलिए अभी लिपस्टिक लगाइए। और हम लोग जा रहे हैं बाड़ी की ओर, गली गली होते हुए। पीछे से आ रही है मौसी, सोच रही है लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे बाड़ी में, कोई पेड़ वेड़ गांज मतलब चढ़ ना जाए उसमें, इसलिए वो आ रही है हम लोग को देखने के लिए। और आगे साइड है कि पूनम दीदी उधर दौड़ दौड़ के वो आई, क्योंकि उन्होंने पानी उधर ऑन कर दिया था मोटर में। और देखिए पानी आ रहा है किस तरह। चलिए हम लोग, देखिए पानी इधर से आ रहा है। और ये मेन नाली है, इसी से होते हुए सब में हम लोग को पटाना है। तो चलिए पटाते हैं पानी। इधर पूनम दीदी देखिए, गौर से देखिए, ये भी लिपस्टिक लगाई है, देखा कि वीडियो बनाने के लिए है, सब लिपस्टिक लगा के आए हम लोग। इधर सारा बैंगन का पेड़ है और देखिए फर्स्ट वाला में इधर पानी जा रहा है। और जैसे ही इसमें पानी भर जाएगा, इधर का मिट्टी देखिए इसमें ला के पैक करेंगे, इसी तरह रिपीट होता जाएगा और सारा तरफ पानी पड़ जाएगा। देखिए इधर पानी झिर झिर के पटा दे कि देखिए पानी कहाँ से आ रहा है, चलिए दिखाते हैं। देखिए पानी का पाइप यहाँ से आ रहा है और वो पाइप कुआं से आ रहा है। अब चलिए वापस, देखिए उसमें पानी भर चुका है। इस मिट्टी को इधर से लाके यहाँ पर इसको डैम जैसा बना दीजिए। नहीं बन रहा है, इधर का मिट्टी उधर ले जा। हाँ, उधर आगे वाला भी उठा। देखिए यहाँ पर हम लोग रोड को बंद कर दिए, पुल बना दिए। पानी जा रहा है उधर, माथंडे डैम बन गया है। सीमेंट लगा के क्या बोलते हैं, अगर बोलो घोल घोल लगा देते हैं। सब सीख गई, सब सीख गई उसी घर में। बैंगन पट चुका है, इसे पानी दे दिए हैं। अब आलू है इधर, आलू पहले भी पटाई है कुछ दिन पहले, इसलिए थोड़ा इसमें जान है, फिर भी ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। आधा हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है। और देखिए ये इन लोग के लिए घर है। घर नहीं है, जो लत वाला चीज होता है ना, झींगा करेला वगैरह, वही चढ़ता है। सब बोलेगा हम काम करवा रहे हैं तुमसे। नहीं, हमको मन कर रहा है, शायद मेरा घर में नहीं होता इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। तब से बोल रही बारी कब पटाएगी, बारी कब पटाएगी। वीडियो बनाना है। और ये तब से मौसा जी को परेशान कर दिए। मौसा जी ड्यूटी चले गए, वरना वो भी रहते। वो अपना काम करके चले गए।
हाँ वो पाइप वाइप लगा दिए हैं, अब बोले लो तुम पटाओ। और ये खत्म हो गया, पूरा बारी पट गया है। और ये देखिए पूरा बारी पट गया है आलू का, आलू बैगन सब। एकदम लास्ट तक बाप गिर लिए। इधर दे, इधर बैगन टा में दी, बैगन टा सार भी दिए ले, छोड़ दी छोड़ दी, बादे है तो छोड़ दी। तो गाइस हो गया है, अब चलिए तो चलिए अब आपको और भी बहुत सारा बगान दिखाते हैं। इन लोग का एक नहीं बहुत सारा बगान है, उधर भी है। ये नींबू का पेड़, हाँ नींबू का पेड़ है, इतना सारा पपीता है, यहाँ केला का पेड़ इन्हीं लोग का है। और चलिए ये किसी किन्हीं और का है, यहाँ पर केला फरा हुआ है। चोरी नहीं करना है, नहीं करना है चोरी। उधर और भी बगान है, चलिए दिखाते हैं आपको एक एक करके सारा बगान। हम जाके बंद करते हैं, पकड़ो तुम। सो गाइस हमको बहुत मजा आया बाड़ी पटा के, ऐसा सीन कम देखने को मिलता है। हम लोग के घर में तो हम लोग खेती इस तरह नहीं करते हैं, तो नहीं कर पाते हैं ये सब, पर हमको अच्छा लगा। अब चलिए दूसरा बाड़ी दिखा रहे हैं। अगर नहीं खुलो, ये देखिए यहाँ पर बांस का घोरना टाटी। और देखिए पीछे ये क्या है इधर, ये लीची का पेड़ है, और गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा इसमें लीची फरता है। देखिए इधर पपीता, सेल्फी विद पपीता। इधर बहुत सारा और भी पपीता का पेड़ है। उधर देखिए पीछे ये बगान भी है पूनम दीदी का, आलू है इसमें। और देखिए वाह कितना अच्छा लग रहा है, मिर्च देखिए, खा के देखिए, एक मिर्च देखिए, लीजिए खाइए मिर्च उसका। ऐसा वाला जो ये हरा वाला, और देखिए इधर हरा मिर्च अच्छा, है लंबा वाला मिर्च। देखिए कितना टाइप का मिर्च है यहाँ पर। ओ देखिए वो सब ब्लैक था, कोई छोटा था, ये देखिए ये लंबा वाला मिर्च है। वाह कितना अच्छा लगता है, अपना बगान से तोड़ो उसके बाद खाना बनाओ। हाँ उसमें भी देखिए कितना सारा फरा हुआ है। जिसको मिर्च लेना है आइए ऑर्डर कीजिए, आपका घर पहुंचा देंगे। तेल पेट्रोल का दाम भी ले लेंगे। चलिए अब दूसरा बगान। और देखिए ये पहचान रहे हैं कौन सा पेड़ है, देखिए इस पेड़ के बीच में मिर्च उगा है। वाह वाह देखिए मेरे से भी लंबा है, इतना लंबा है। देखिए यहाँ लौकी भी है पेड़, छुना नहीं। आज इसमें मौसा जी दवाई छिड़के हैं इसलिए इसको छूना नहीं है। देखिए कितना छोटा छोटा लौकी है। इधर भी और भी फूल इधर हो ही रहा है। जा रहे दूसरा बगान, यहाँ पर इन लोग का सामने में ही बहुत सारा ही बगान है। इन लोग हमेशा सब्जी उब्जी उगाती है, हरा हरा सब्जी, और घर का सब्जी का तो मजा ही कुछ और है। चलो अंदर से। ये उन लोग का दूसरा वाला बगान है, देखिए सरसों पालक, सरसों और पालक। सीम, हाँ इधर सीम भी है, देखिए ये सीम का पेड़ है। इसमें फिर हम लोग, हाँ वही लत है, सीम का लत है। इसमें हम लोग जनवरी के टाइम जब होता है बौड़ी और मकर संक्रांति, इसमें बहुत सारे रोटी बनाते हैं सीम का पीठा। ये बोधी का लत है ना, सीम है। अच्छा ये भी सीम है, लाल वाला। अच्छा ये वाइट वाला सीम है। देखिए वाइट फूल भी है इसका, और उसका है पर्पल कलर का फूल। यहाँ भी आलू लगाइए, कितना आलू खेपी गए। इसमें देखिए सीम फल भी चुका है, दाना आ गया इसमें, इसमें दाना आ गया है। वाव प्याज, इधर देखिए प्याज, प्याज का खेती, खेती नहीं मतलब घर में लोग का साल भर घर का ही खाती है। वाव हम लोग को ऐसा नहीं मिलता है, हम लोग को हमेशा मार्केट से खरीदना पड़ता है।
इन लोग मेहनत भी करती है, मौसी दिन भर यहाँ पर ही रहती है, बाड़ी वगैरह में ही टाइम देती है। इनका शादी के बाद नहीं होगा, इनका शादी के बाद सब खरीद खरीद के खाएगी, क्योंकि घर में कोई रहेगा ही नहीं, खेती कौन करेगा। हम खाना बनाते तभी तो इधर होता है। और लास्ट और एक बाड़ी है, उसको भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए पपीता, कुआं, यहीं से हम लोग अभी पानी पटाए। देखिए पाइप मौसा जोड़े थे यहीं से, तो अब देखते हैं इस बगान में क्या है। यहाँ पर गुलाब का पेड़ है, गुलाब, ओह देखिए गुलाब, गाना आ जा रहा पर गाना। और दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत मजा आएगा देख के, रुकिए। और देखिए ये बैंगन का पेड़ है, छुएंगे नहीं, दवाई है इसमें दिया हुआ। देखिए एक पेड़ में देखिए कितना सारा फल है, देख लीजिए आप, इधर भी है, इधर देखिए, इधर भी, इधर भी, और भी बहुत सारा फूल अभी हो ही रहा है। और ये गोभी का, फूल गोभी का बगान, खिलेगा तो मस्त लगेगा। इधर आलू, इधर साग अभी हुआ नहीं है, छोटा छोटा हुआ है अभी, मेथी, मेथी साग। एक ककर फोर भेल ना, वो तो आगू नीचू नीचू पेरवट में। ओह देखिए गाइस, यहाँ पर गोभी बस निकल ही रहा था, लेकिन देखिए मुर्गा मुर्गी इसको खा गया है, इसका पत्ता को, पड़ोसी का मुर्गा मुर्गी इसको टकला कर दिया है। और क्या दिखाना है, अब कितना दिखाया, इतना सारा कुछ तो बगान में दिखा दिया है, इनका बगान में इतना सारा चीज है। तो अब किसी का बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह जो भी हो, इन लोग को ऑर्डर करें और यहाँ से सब कुछ उठा के ले जाए, बड़ा ना, हाँ ले जाए एकदम, देंगे अच्छा से। अगर पैसा तो तब ना लगता, ना चाहिए पैसा हमका, नहीं गाइस घर में खाने के लिए इतना ही है, ज्यादा नहीं। हमको डीएम करे, हम बात कर देंगे, देबो बेसिस, देबो छील के ले जबो, सेल्फी विद कुआं, सेल्फी विद कुआं, घुस यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं, सेल्फी विद मेंढक, हाँ यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा सा पलटना नहीं है ना तो फिर स्वाहा हो जाएगा। बापरे हेग लगे, मैं फोन वाना गिरा दी बाप। हाँ सो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे हमेशा। और इनको भी कर दीजिएगा, इनका चैनल है पिकू महतो फैमिली ब्लॉग्स, ब्लॉग्स पूरा नाम नहीं लेती है वो, चंड है। ठीक है, सबको टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू गाइस सून।